आलू की चाट आप सबने बहुत बार खाई होगी, मगर आज मैं जैसे बनाने जा रही हूँ ऐसे तरीके से ना ही बनाई होगी और ना कभी खाई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उबले हुए आलू लेकर उसे मैश करेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और फिर इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, अब इसमें धनिया पाउडर थोड़ा सा, जीरा पाउडर, काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे इसे मिक्स करने के लिए। इसे फिर से मैश करेंगे और फिर इसकी छोटी छोटी टिक्कियां बना लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं टिक्कियों का साइज। अब दही को थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं। आप चाहे तो चम्मच से बीट कर सकते हैं और बीटर से भी बीट कर सकते हैं। दो बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे। अगर आप दूसरी चीनी साबुत यूज कर रहे हैं तो बीट करते समय डालें इसमें। तो चलिए सर्व करने के लिए अब आलू टिक्की चाट की प्लेट तैयार करते हैं। सबसे पहले प्लेट में टिक्कियां लेकर उस पे मीठे दही को पोर करेंगे। अब थोड़ी सी इमली की चटनी, चाट मसाला इसे और भी चटपटा बना देगा। क्या आपने इस रेसिपी को तैयार करते समय एक बात नोट की कि हमने तेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। यही इस रेसिपी की खासियत है और यह रेसिपी हेल्दी भी है। तो लीजिए तैयार है हमारी आलू टिक्की चाट। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आपकी आलू टिक्की चाट कैसे बनी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।